फिगर शोज इलेक्ट्रिक डायपोल, एक फिगर है, प्लस टू का क्वेश्चन है ये, इसमें कोई प्लस वन नहीं है, थोड़ी है बताऊंगा क्या। ये एक डायपोल को मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे रखा नहीं जा सकता, ऐसे रखा हुआ था, रोटेट कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, जैसी रोटेट किया और छोड़ा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, एकदम रुक नहीं पाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। प्रूव करो कि ये SHM में है, एंगुलर SHM में है, और इसका टाइम पीरियड भी निकालो, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, लेंथ 2a देने की बजाय उसने l लेंथ दे दी, डायपोल की क्या फर्क पड़ता है, तो l ले लेते हैं, और साथ में क्या गिवन है, यहाँ पे दो मासेस लगे हुए हैं पार्टिकल के, सिर्फ अकेला चार्ज नहीं है, मास भी है, m एंड m, इनका मास भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें e गिवन है, आपको इस पर टाइम पीरियड निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये एंगुलर SHM का क्वेश्चन है, और अगर एंगुलर SHM की बात करते हो तो इसके लिए आपको एंगुलर SHM का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यही है कि डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, शो दैट फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हल्की सी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, जिसका टाइम पीरियड ये होगा, वेर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो इसको छोड़ो, आप पहले प्लस वन के अंदर दो मिनट वापस चलो, आप प्लस वन की किताब तो खोल नहीं सकते, तो मैं यहीं लिख लाया। हमारे पास दो किस्म के SHM थे, पहला लीनियर SHM जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, दूसरा एंगुलर SHM जो घूमता है, जिसमें टॉर्क जनरेट होता है। लीनियर SHM में SHM की ये इक्वेशन होती थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और एंगुलर SHM में a की जगह क्या यूज करते हैं, अल्फा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा, ये एंगुलर SHM की इक्वेशन है। इस लीनियर SHM में किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए ढूंढी जाती है रिस्टोरिंग फोर्स, एंगुलर SHM में किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए ढूंढा जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे प्लस वन के अंदर हमने किया था, एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम में ये वेट है, आपने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई, एम जी, एम जी कॉस, एम जी साइन, तो कितनी रिस्टोरिंग फोर्स है जिसको वापस लेके आ रही है, आंसर इज माइनस एम जी साइन थीटा। एंगल बहुत छोटे हैं SHM में, अजम्पशन होती है प्लस वन में, तो साइन थीटा को सिंपली क्या लिखा जाता है, थीटा, एंगल बहुत छोटे हैं, साइन थीटा थीटा लिख सकते हैं, और यहां पर फोर्स इज एम इन टू ए, एम से एम कैंसल, तो ये एक्सीलेशन की वैल्यू आ गई, थीटा एंगल इज आर्क बाय रेडियस, वाई डिस्प्लेसमेंट बाय एल, तो ये जब मैंने पुट किया SHM की इक्वेशन आई, SHM की इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, ओमेगा आया, ओमेगा 2 पाई बाय टी से टाइम पीरियड की वैल्यू आई, ये डेरिवेशन हुआ करती थी प्लस वन में आपकी सिंपल पेंडुलम की। इसी चीज को एंगुलर SHM में ऐसे प्रूव किया था, सेम टॉपिक है कि ये पेंडुलम है, इसका वेट एम जी है, ये यहाँ पर इसका एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन है, तो इसका टॉर्क होगा एम जी, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फोर्स क्या है एम जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस में, क्योंकि फोर्स अगर वाई में है तो डिस्टेंस एक्स में मिलेगा, क्योंकि वर्ड परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एल है तो ये एल साइन थीटा, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए साइन नेगेटिव। रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या होता था, आई टाइम्स एल्फा, आई क्या होता था इसमें एम एल स्क्वायर, पॉइंट मास है, ये वैल्यू आ गई। कंपेयर करें एंगुलर SHM के साथ तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा टाइम पीरियड आ गया, आंसर सेम आएगा। ये टॉपिक बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है प्लस टू में, सिर्फ प्लस वन का कुछ टॉपिक जानबूझ के दिखाया ताकि आपको थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए एंगुलर SHM कैसा दिखता है। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखता हूँ मैं बैक टू द क्वेश्चन, लिखता हूँ इसमें लेक्चर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक, वापस चलते हैं। तो इसके अंदर जब एक डायपोल को घुमाएंगे तो डायपोल को घुमा के टॉर्क कितना जनरेट होता है, हमने किया आज पी साइन थीटा, और डिस्टोरिंग टॉर्क है तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव, एंगल छोटा है तो साइन थीटा की जगह थीटा, टॉर्क क्या होता है आई टाइम्स एल्फा, पी क्या होता है क्यू इंटू टू ए, पर लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहां पर टू ए नहीं है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम यहां पर एल है, तो क्यू इंटू एल, यहां से आई एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एंगुलर SHM की इक्वेशन लिखी, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आया, ओमेगा 2 पाई बाय टी से टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, प्रूफ हो गया जो प्रूफ करना है। तो एक तरीका बता रहा हूं,
ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेशली आ सकता है। एनसीईआरटी में तो आज तक नहीं आया सीबीएसई के अंदर ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि प्लस वन वो अवॉइड करते हैं, प्लस वन क्वेश्चन डालते नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में अगर ये प्रूव करने को आए या मिलता जुलता क्वेश्चन आए, आप एटलीस्ट मार्क कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक,